आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पहले मंत्री परिषद की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सांसद, मंत्री और अनेक लोगों का ये मानना था कि हम हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत खुद से करें और इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह एक साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं लेकिन वो कानून में करना पड़ता है तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा। तो सभी MPs, ऑल MPs और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी एक साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे, वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है। मुझे लगता है लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस उत्तरदायित्व की भावना को बहुत अच्छा बल देने वाला ये निर्णय है और ये पैसा जनरल पूल में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जाएगा, तो ये भी बताना चाहता हूँ। दूसरा एक निर्णय हुआ, आपको मालूम है अनेक सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोविड के उपायों के लिए जितना भी काम चल रहा है उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की पहल की थी लेकिन बाद में अनेक सांसदों का ये कहना था कि ये पूरी अगर व्यवस्था करनी है तो इसलिए MPLAD को अब दो साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 2021 और 21-22 और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए, वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे। मुझे लगता है ये दोनों पहल बहुत अहम है
क्योंकि इस पहल का मतलब होता है कि खुद से शुरुआत करो और खुद से शुरुआत करने के बाद जो सांसद निधि का भी एक सरकार जिस तरह से लगी है पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, ये सभी को सरकार के जो सारे प्रयास चल रहे हैं कोविड को हराने के, उसके लिए निश्चित रूप से ये दोनों निर्णय एक दिशा देने वाले और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये आज दो निर्णय लिए हैं। जैसा मैंने कहा कि सांसदों के सांसद निधि का पूरी रकम लगभग 7,900 करोड़ रुपए होती है दो साल की, तो वो रकम कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी। तो यही आज दो महत्वपूर्ण निर्णय है। कल का देश भर में जिस प्रधानमंत्री के अपील पर जिस तरह देश ने अपनी मोहर लगाई और कोरोना से लड़ने का संकल्प किया, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ, मुझे लगता है ऐसी भीषण लड़ाई में इस तरह का देश का एक आना, लोग जागरूक होना और लोग उसमें मन से सहभागी होना, ये बहुत अहम बातें होती है और इससे देश का ये कार्यक्रम दुनिया भर में जिसकी चर्चा हो रही है और ये कल का कार्यक्रम का भी मंत्रियों ने अपने अपने एरिया के अनुभव और प्रत्यक्ष बताए। मेरे तरफ से इतना ही है, कोई सवाल है तो कमल जस्ट यू कमाइज एक मिनट क्या वन ईयर सर वॉज एंड ऑफ लॉकडाउन वॉज डिस्कस्ड बाय एनी चांस ड्यूरिंग दिस कैबिनेट ब्रीफिंग? नहीं, उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं और अभी दुनिया में रोज स्थिति जो बदल रही है उसका अध्ययन कंटिन्यूस स्तर पर होगा और मेरे प्रेस के बाद तुरंत यही रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कोरोना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी।